नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बहुत ही टेस्टी लाजवाब सी एक बेसन चिल्ले की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसको बनाना बेहद आसान है लेकिन टेस्ट इसका बहुत लाजवाब है। बच्चों की तो फेवरेट है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम एक बर्तन में ले लेते हैं 2 कटोरी बेसन। 2 कटोरी बेसन लेने के बाद जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी इसमें सूजी डाल देते हैं। सूजी आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन बारीक वाली सूजी होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। अब स्वाद अनुसार नमक मिला देते हैं, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं साबुत जीरा। साबुत जीरा डाल देने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिल्ले में। और अजवाइन डाल देते हैं, बेसन थोड़ा सा पसने में दिक्कत होता है तो डाल देते हैं अजवाइन, जल्दी पस जाएगा। 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। फिर इसमें ऐड करते हैं 1 चुटकी हींग। हींग आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हींग का फ्लेवर पसंद है इस वजह से थोड़ा सा हम हींग भी ऐड करते हैं। अब पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार करते हैं। जैसे चिल्ले का घोल होता है नॉर्मल, बस उसी तरीके से ये जो हम चिल्ला बना रहे हैं वो बहुत ही चटपटा टेस्टी से बनने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर देते हैं। हल्दी ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं। मिलाने के बाद चेक करेंगे कैसे एकदम बिल्कुल इसी तरीके से हमें बैटर चाहिए। आप इतना पतला बैटर रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ढेर सारी सब्जियाँ कटी हुई ली हैं। टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, हरी मिर्च है। सब्जी आप कोई भी अपने पसंद के हिसाब से इसमें ऐड भी कर सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आप पत्ता गोभी डाल सकते हैं, इसमें आप बीटरूट डाल सकते हैं, धनिया पत्ता बहुत सारा डाल सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या घर में जो भी सब्जी अवेलेबल हो वो ऐड कर सकते हैं। सब्जियों में डालते हैं थोड़ा सा नमक, और इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़ा सा ही इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, जिससे ये चटपटा और टेस्टी हो जाए। बस हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये हमारा सब्जी जो स्टफ करेंगे उस पर वो रेडी हो गया है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो वह हमने गर्म कर लिया है, इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, और ऑयल लगाने के बाद इस पर बैटर डालेंगे। बैटर को डालने के पहले थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम तवा पर डालेंगे। मिक्स कर लिया है, उसके बाद अब तवा पर डाल देते हैं और इसको इसी कलछिल की सहायता से मिला लेंगे, इसको फैला लेंगे। आप चाहें तो कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कटोरी से भी इसको अच्छे से फैला सकते हैं। हमें यही तरीका ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमें यही करने आता है। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं जब कलर इसका चेंज हो जाएगा, उसके बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल और ऊपर से लगा देंगे। ये जो ऑयल होता है वो इसमें जो जालियाँ बनी हुई है उसके थ्रू नीचे भी जाता है, तो नीचे से भी चिल्ला हमारा अच्छे से पकेगा और कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अभी हुआ है कि नहीं, ये अच्छे से अभी निकल नहीं पा रहा है। कुछ देर और वेट करते हैं पलटने का। कुछ देर के बाद इसको ये आसानी से निकल जा रहा है, अब इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद आपको दिखाएंगे हम कैसे जो ऑयल हमने इस पर डाला हुआ था वो इस साइड भी आया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बस इसको हमने पलट पलट के सेक लिया है। चिल्ला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हम आपको दिखाएंगे, बहुत ही पतला हमारा चिल्ला है, इस वजह से बहुत जल्दी तैयार हो गया है। देख सकते हैं इसके ऊपर जो भी सारी सब्जी हमने काट के रेडी किया हुआ था उसको अच्छे से फैला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे सॉस भी लगा सकते हैं, लेकिन सॉस जब हम लगाते हैं तो चिल्ला हमारा सौगी हो जाता है, इस वजह से हम सॉस इसमें नहीं लगाते हैं। ऊपर से सॉस ऐड करेंगे खाने में, आप चाहें तो सॉस लगा लगा के खा सकते हैं। इसके स्वाद को दुगना करने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरले राम का भुजिया। ये जो नाश्ता हमने तैयार किया है इसको आप सुबह ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं, शाम को कभी हल्की भूख लगी तो बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा, इसमें बेसन है इस वजह से हेल्दी भी होता है, और बच्चों को पूरा इसमें मिलेगा पोषण। और आप इसे लंच बॉक्स में भी भर के दे सकते हैं। जब भी आपको बनाना हो फटाफट इसको तैयार करते हैं, 2 से 3 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। इसी तरीके से एक बार ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी।